आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं जमानत मिलण ते बोलदे हुए गुजरात के साबका मुख्यमंत्री विजय रूपानी का कहना है कि इस नाल चोणां ते कोई भी असर नहीं पवेगा। उन्हां कहा कि केजरीवाल कथित तौर पर शराब घोटाले विच दोषी है, इसलिए जमानत ते बाहर आउण नाल इसका चोण ते कोई भी असर नहीं होगा। जिक्रयोग है कि भाजपा उम्मीदवार रमरीत सिंह बिट्टू के नामजदगी पत्र दाखिल करने मौके वह लुधियाना पुजे सन। देखिए, ये पूरी कानूनी लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो उससे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। केजरीवाल को चुनाव के प्रचार के लिए उन्होंने जो जमानत मांगने के लिए याचिका की थी वो कोर्ट ने मान्य रखी है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल शराब घोटाले, शराब के परमिशन में घोटाला किया है, वो सब लोग मानते ही है और वो चार्जेस भी उन पर है, इससे उन पर कोई जो उनका दाग है वो उसके उस जमानत से धुलाई नहीं जाती है। वो कोर्ट का जजमेंट जब आएगा तभी सब क्लियर होगा, बाकी तो ये चार्ज है उन पर और उन पर उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। कुछ जगह में चुनाव हो चुके हैं, अभी कुछ जगह में चुनाव बाकी है, चार दौर पड़ेगा तो कैसा लग रहा है, असर पड़ेगा जो चुनावों पे, असर जो देशों में चुनाव हुए वहाँ पे क्या असर? देखिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उनकी कोई असर ही नहीं है देश में, कोई सवाल ही नहीं है। केजरीवाल की अब कोई पूरे देश में असर ही नहीं है। और केजरीवाल की जब अरेस्ट हुए और हाईकोर्ट ने उनको जो अरेस्ट को लीगल बताया, तब से केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में है ऐसे साबित हो गया है, यानी कि एंडोर्स हो गया है। अब केस चलेगा और केस चलने के बाद नतीजा आएगा, 400 पर नारा है बीजेपी का, पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएंगे, अवश्य होंगे। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी, ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।